आइडियल लाइफ कैंडिड कन्वर्सेशन, आई एम डॉक्टर सबीहा, मॉडलिंग एक्सलेंस। और आज के हमारे गेस्ट है साज मल्होत्रा। नाम जितना खूबसूरत है, पर्सनालिटी भी उतनी ही खूबसूरत है। शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ कंपोजर, शी इज सिंगिंग सिंस ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, एंड शी इज़ एन अपकमिंग साइकोलॉजिस्ट। एंड इन टूडेज लाइफ, एज आई ऑलवेज से, वी विल मॉडल हर एक्सलेंस, हर सक्सेस जर्नी, हर सक्सेस फॉर्मूला, कि कैसे पैशन, करियर, सब कुछ वो मैनेज कर रहे हैं। हाउ इज शी एबल टू एक्सेल इन व्हाट सो एवर शी इज डूइंग, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ गेटिंग ऑल दिस गेस्ट ऑन माई शो, विच आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फैटर्निटी, डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, जो अपनी इस एज में, जहाँ पे यूजली बच्चे सिर्फ 9 to 5 जॉब में खो जाते हैं, वहाँ पे दे आर एबल टू चूज द पैशन, अंडरस्टैंड वॉट दे लाइक, एंड देन कंटिन्यू विद इट। करिश्मा, थैंक्स ज्वाइनिंग। कृति, हाउ आर यू कृति? आई एम फाइन कृति। आई मुस्कान, एवरीबडी स्टे ट्यून, क्योंकि एक तो इतनी अच्छी सिंगर है साज, तो आई एम श्योर वो ऑडियंस की डिमांड पर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर गाएंगी। एंड या हर पेज इज ऑसम। मीन वाइल ऑल्सो बाय द टाइम शी जॉइंस, डू विजिट हर पेज, सम अमेजिंग सॉन्ग्स वी कैन गेट टू लिसन देयर। एंड करिश्मा, थैंक यू, थैंक्स ऑल, बिकॉज ऑफ करिश्मा आई एम हैविंग हर टुडे ऑन माई शो। कृति, और यू आर डूइंग ग्रेट, दैट्स रियली नाइस टू हियर, एंड हैप्पी यार आप लोग ज्वाइन होते हो लाइव पे, अच्छा लगता है देख के। और जो रिपीटेड नाम रहते हैं ना, उनको देख के तो और अच्छा लगता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू ज्वाइन अस, एंड शी इज देयर, हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तब तक कम अप विद सम गुड, पहले तो पेज विजिट करो, उसके बाद आपको समझ जाएगा कि कौन से गाने की डिमांड रखनी चाहिए। तो आज हमारा शो एकदम लाइट लाइट रहेगा, कंप्लीट कैंडिड कन्वर्सेशन। और NLP प्रैक्टिशनर हूँ, तो अपना NLP छोड़ती नहीं हूँ, अपनी गेस्ट का सक्सेस फार्मूला का स्ट्रैटेजी एक्सट्रैक्ट करके रहूँगी। करिश्मा, सो मेनी हार्ट्स फॉर यू टू, सो दैट यू नो वी कैन क्रिएट मल्टीपल साज। इवन आई मिस आउट, आई वॉच रिकॉर्डेड। ऑ कृति, दैट इज सो सो नाइस यार, बुक विथ फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, मैं शायद ही आज किसी को लाइव लूँ। हाँ खुशी, थैंक यू खुशबू, खुशबू या आपका इधर खुश 146 है, खुशबू यार ये पूरा खुशबू कर दो आप इधर। सो या आई एम स्टिल वेटिंग फॉर साज टू ज्वाइन, जैसे वो ज्वाइन होते हम उनको ले लेंगे। मीनवाइल, हाय बुक विथ फ्रेंड्स, कसा आहेस? आता परीक्षा वरीक्षा सगळं संपलेलं आहे, बरोबर आहे ना? आणि संडेला असणार आहे, आता सॅटरडेला माडो नसणार आहे। सो मी अँड माय डॉटर कमिंग लाईव्ह विल बी ऑन संडे। येस खुशबू, वो तुम्हारे ये खुश 146 की वजह से मैं घर पे भी तुमको खुशी बोलती हूँ, आदित्य को पूछो मैं खुशी बोलती हूँ। हाय फैजा इनामदार, या साज इज देयर, थैंक यू साज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज आस्क हर टू सिंग सम सॉन्ग्स। आई नो खुशबू, मुझे करिश्मा ने बोला था जैसे ही साज हैड एग्रीड टू कम ऑन अ शो, सबसे बड़ा वाव आपका आया था, दैट इज वॉट शी हैड सेड। या साज, आई एम टेकिंग यू, आई एम वेटिंग फॉर साज टू ज्वाइन। पहली बात तो शी इज डैम ब्यूटीफुल यार। ओ हाय, हाय एवरीवन, हाय सबिया जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, वो जी को हटा दो, सिर्फ सबिया ही रखो। ओके, आई कॉल यू डॉक्टर। फेयर इनफ, क्योंकि मेरी इंटर्न टीम में कोई जी से बात नहीं करती, तो इतनी इज्जत एकदम मुझे ना हजम नहीं होती। रिस्पेक्ट इज फ्रॉम द हार्ट। So yeah, welcome to Friday Night Candid Conversation. It was Karishma, one of my intern for my team, who did had a word with you and you accepted it. That's so sweet of you. And Khushbu, my other intern, she's a big fan of you. So already aap aane ke pehle aise shuru tha ki ma'am ye bolna, ma'am wo bolna. So I'm sure we'll be having some amazing conversation today. Yeah, we will. Definitely. अपनी तरफ से तो मेरे मुझे जितना अच्छा लग गया वो सारा बता दिया है। आई वुड बी हैप्पी टू लिसन अबाउट यू फ्रॉम यू इफ यू डोंट माइंड। ओके, अपने बारे में कहना हमेशा मुश्किल होता है आई फील, बट ओके, आई विल जस्ट गिव अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज साज मल्होत्रा एंड आई एम अ सिंगर, आई एम अ कंपोजर, आई एम अ लिरिसिस्ट एंड आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट इन मेकिंग, दैट्स व्हाई आई रिलेट टू डॉक्टर मोर।
यू नो शी इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम फील्ड. सो या एंड बस इतनी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी मेरी यार, कुछ ऐसा खास है नहीं. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग बिकॉज ठीक है वो तो चलता रहता है. ऑलराइट बट काफी अच्छे अचीवमेंट्स है फॉर योर एज, फॉर योर एज. इट्स रियली ग्रेट, इट्स रियली थैंक यू ग्रेट. सो मच. थैंक यू थैंक यू. सो या यू वांट मी टू टेल प्लीज देम? प्लीज गो अहेड. ऑल राइट. आई वुड लव टू लिसन डायरेक्टली फ्रॉम यू, बिकॉज आई डिड रीड एवरीवेयर ऑन इंटरनेट, बट आपके मुंह से सुनने में प्यारा लगेगा. ओके सो आई वॉज अमंग्स द टॉप 9 कंटेस्टेंट्स ऑफ अ वेरी फेमस रियलिटी शो दैट वॉज एयर ऑन स्टार प्लस, जिसका नाम था दिल है हिंदुस्तानी. एंड आई वेंट टिल द टॉप 9 कंटेस्टेंट्स. सो दैट वॉज अ वेरी 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 बिग थिंग फॉर मी बिकॉज यू नो बींग जज्ड बाई जूरी लाइक करण जौहर सर एंड बादशाह एंड एवरी वन, यू नो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. एंड देन आई एम अ 2-time नेशनल अवार्ड विनर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ म्यूजिक वोकल्स. सो आई हैव बीन टेकिंग पार्ट इन इंडियन वोकल्स इज वेल एंड वेस्टर्न वोकल्स इज वेल. And yeah, I'm also releasing my independent music, so you guys can go and check out YouTube and everywhere, and you will find my music there. That's that. Thank राज, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके एज के लिए. you so much. Thank you. मैक्सिमम ऑफ माय क्लाइंट्स, दे कम टू मी, एदर दे आर सफरिंग विद चॉइस ऑफ करियर, और दे आर वंडरिंग इफ दे इवन हैव अ पैशन, वेदर दे शुड गो अहेड विद इट और नॉट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि ये फला फला चीज है और इसको मुझे आगे लेके ही जाना है? व्हाट वाज दैट मोमेंट, कैन यू शेयर? सी आई हैव नेवर टेकन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर सिंगिंग एंड एवरीथिंग. सो मेरे को याद है जब व्हेन आई वाज वेरी लिटिल, शैल आई टॉक इन हिंदी और इंग्लिश कि मिक्स कर दो मिक्स बीच में? मिक्स कर दो, एकदम फुर्सत से बात चलो करेंगे, ठीक है, कोई वो नहीं डन है. डन. ठीक है. तो फिर व्हेन आई वाज इन सेकंड ग्रेड, तो मेरी मैम ने, आई टुक पार्ट इन अ टैलेंट हंट, एंड मैं वहां पे एक पोएम गाई थी, उसको भी ट्यून में गा के थोड़ी सी. एंड आई गॉट सिलेक्टेड देन एंड आई वन दैट कॉम्पिटिशन. एंड देन माई म्यूजिक टीचर स्पॉटेड मी, एंड तब से लेके आज तक जो भी है यू नो शी स्पॉटेड मी, एंड तब से लेके आज तक आई एम सिंगिंग. एंड आई टुक पार्ट इन वेरियस स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन एंड देन नेशनल्स ऑल्सो. सो या तो एक होता है ना, एंड माई फैमिली ऑल्सो दे वर वेरी सपोर्टिव. सो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ प्लान किया था दैट आई विल बी गोइंग इन टू दिस दिस दिस, बट वो ऐसा होता गया एंड एवरीबडी सपोर्टेड मी. तो सबका साथ जब मिला इवेंचुअली सब होता गया. कितनी बड़ी बात है ना, आपको इतनी इसमें वो टीचर अच्छे से याद है जिन्होंने पॉइंट आउट करके बोला था. या एब्सोल्युटली आई रिमेम्बर, क्योंकि कोई ना कोई तो भगवान जरिया बनाते हैं किसी को ना. गॉड ऑलवेज चूजेस समबडी टू शो यू द पाथ. सो या शी वॉज द वन, हर नेम इज करणदीप कौर, एंड टिल डेट आई एम इन कॉन्टेक्ट विद हर. कभी भी इफ आई एम फील लो और एनी थिंग, कभी भी मुझे होता है आई ऑलवेज टॉक टू हर, एंड आई ओ हर अलॉट अलॉट दिस इज फॉर वॉट आई ग्रेट, एम टू. या दिस इज ग्रेट. मतलब आज की जनरेशन जहाँ पे उस्ताद और स्टूडेंट का ऐसे रेपो हम इतना नहीं सुनते हैं, अभी इतना तो नहीं सुनते आई जितना शिद्दत से आप सुना रहे हो. एब्सोल्युटली बिलीव कि कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से आए हो. आफ्टर अचीविंग कुछ भी अगर आप हासिल करो, उसके बाद नेवर फॉरगेट फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट एंड हु हेल्प्ड यू स्टार्ट. या सो इसीलिए मैं आज तक उनसे कॉन्टेक्ट में हूँ, और सबको होना चाहिए. दैट इज माई वन सजेशन टू एवरी वन. और फिर ये जो आपका लिखा हुआ है अपकमिंग साइकोलॉजिस्ट पे, ये कैसे चुना था आपने दिस पर्टिकुलर सो थीम? जैसा म्यूजिक मेरे को इंटरेस्ट मेरे को बहुत ज्यादा है म्यूजिक में, वैसे साइकोलॉजी में भी बहुत ज्यादा था. सो इन माय 11th क्लास आई हैड ह्यूमैनिटीज, सो उसमें आई चोज साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एंड आई टॉप्ड. तब मैंने अपने स्कूल में भी टॉप किया था एंड पूरे सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया था. या सो इट वॉज सच अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है साइकोलॉजी एंड इट्स इट्स रियली इंटरेस्टिंग. सो मुझे लगता है कि जिस चीज में आपको जो पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो अगर आपको भगवान ने ऐसी फैमिली दी है जो आपको सपोर्ट करे, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. सो आई फील रियली थैंकफुल. आपके बाद में 2-3 बार आता है फैमिली का सपोर्ट. सीरियसली इट मैटर्स, सीरियसली इट मैटर्स. इट रियली डज. एंड यार, टू जस्ट एड, माय डॉटर इज 17 एंड शी इज इन 12th नाउ, बट वो बीएससी साइकोलॉजी के लिए किंग्स कॉलेज लंदन अप्लाई करने वाली है. तो पता नहीं, सडनली सबको साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, बट माय डॉटर इज कीन, शी वांट्स दैट कॉलेज, दैट सिटी, पर्टिकुलर फील्ड. माने वहां पे भी उनके अलग अलग मॉड्यूल्स है, तो शी वॉन्ट्स अ पर्टिकुलर मॉड्यूल देयर. एंड या शी विल बी परस्यूइंग साइकोलॉजी. आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी टू नो द गेस्ट इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम स्ट्रीम. ग्रेट ग्रेट ग्रेट.
कंग्रेचुलेशंस, आई विश यू ऑल द लक। या थैंक यू। और कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ही बात करो, अगर आपके कोई खास फैंस हैं, किसी की कोई फरमाइश है, आपको ऐसे लगा कि सभी आप बात रुको, मुझे ये कमेंट्स पढ़ना है या रिप्लाई करना है, तो फील फ्री, एब्सोल्युटली नो फॉर्मेलिटीज। आई एम गोइंग थ्रू, मैं देख रही हूँ, आई एम सीइंग कि जो जो ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम जस्ट सीइंग, मैं वेट कर रही हूँ, कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी, एनी थिंग, यू वांट टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग, और यू वांट टू रिक्वेस्ट, यू हैव अ क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो, हमारे पास एक्सपर्ट बैठी हैं डॉक्टर साहब। क्योंकि मेरी डिस्कशन तो थोड़ी सी इंटेंस रहेगी, बीच में माहौल अगर लाइट करना है तो एनी टाइम वी कैन हैव क्योंकि अदरवाइज खुशबू ना पोस्ट लाइव अपलोड करने नहीं देगी मुझे जब तक तो उसके पसंद का कोई गाना नहीं आएगा। सो खुशबू, आप ही बता दो व्हाट यू वांट टू लिसन टू, एंड देन वी विल सिंग, ठीक है? वी विल जस्ट खुशबू सी इफ शायद गोज़ अप। शुरुआत ही में डाला था, बट आई सीरियसली डोंट नो वेयर दैट कमेंट हैज गॉन क्वाइट अप, बट आई एम श्योर शी विल पुट समथिंग। तब तक आप माइंड में करो। Somebody या said, please sing प्यार के पल भाई के। ओ प्लीज ओके ओके दोबारा। आई सिंग दैट। या पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल, पल आ प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल चल, सोचे क्यों छोटी है जिंदगी, पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल। थैंक यू। माशाल्लाह। आप इन जनरल भी आप लोग ये जब गाते हो तो यू यूजुअली क्लोज योर आईज, तो जो लिरिक्स रहते हो याद रहते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, हाउ डू यू रिकलेक्ट द एंटायर सॉन्ग? I don't know, it's music is all about the feeling, you know, it's expressing what you feel inside. और मेरे को लगता है कुछ लिरिक्स ऐसे होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं, ऐसे होते हैं ना कि कोई आपको कुछ बात कह दे जो आपके दिल को छू जाए, वो आपके दिमाग से निकलती नहीं है, इट्स सेम विद द लिरिक्स। कभी कोई ऐसे गाने होते हैं जिनके लिरिक्स आपको छू जाते हैं, आप कभी नहीं भूलते हो, सो इट्स द सेम विद दिस थिंग, सेम विद आपने म्यूजिक। आपने वो कंपैरिजन बहुत अच्छा बताया। हाँ, थैंक यू सो मच। हाय हाय आगे मयंक, हाय रिया, हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच अतुल जी, थैंक यू सो मच फैजा, थैंक्स एवरीवन। ऑलराइट डॉक्टर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आस्क मी समथिंग। या आई हैड वन मोर क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं होगा ना सास कि आपने तय कर लिया कि मुझे इस कंपटीशन में पार्ट लेना है या समझो नेशनल अवार्ड तक का आपको उस लेवल के अवार्ड्स मिले हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जर्नी में आपने सोच लिया और बस होता गया? कुछ तो मुश्किल ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, सो व्हाट वाज दैट पावर इन यू व्हिच हेल्प्ड यू टू ओवरकम दैट? See, I'll tell you one thing, कि you know, I basically was a singer, जो मैं वेस्टर्न और बॉलीवुड लाइट सॉन्ग ज्यादा गाती थी एज कम्पेयर टू क्लासिकल स्टफ एंड गजल्स एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो मेरे को मेरे यूथ फेस्टिवल में मेरे कॉलेज वालों ने कहा दैट दिस ईयर यू हैव टू सिंग गजल, और मैंने कहा कि मेरे बस का है नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मतलब मैदान में उतरने से पहले ही मैंने गिव अप कर दिया था, और मुझे था कि मैं नहीं कर सकती हूँ ये। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरे सर के वर्ड्स थे, सर कहते कि अगर अंदर से तुम दिल से चाहो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, इट इज ऑल इन द इंटेंशन, द थॉट्स जो आप करते हो वो मैनिफेस्ट करते हो, वैसा ही होता है। सर कहते अगर तू ये बोलेगी मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर कहते यू जस्ट से राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई विल डू इट, एंड आई डिड इट, और मैं आज तक कहती हूँ आई डिडंट कम फर्स्ट, आई केम सेकेंड, बट वो खुशी थी कि मैंने क्विट नहीं किया, एटलीस्ट आई ट्राइड। या सो बस ऐसा ही है कि मुश्किलें आती हैं, बट अपने आप को पुश करना पड़ता है, और चैलेंज है, करो, करके देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यू विल फेल ना, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा, बट अपनी नजरों में फेल तो नहीं होगे ना कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। सो या दिस वॉज अ स्मॉल इंसिडेंट दैट आई वांटेड टू शेयर।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एनएलपी प्रैक्टिशनर हो ना तो थोड़ा टेक्निकल भी जाओगे कि आपको ना किसी की बोली बात एग्जैक्ट डायलॉग में याद रहे, मतलब आप बोल भी इसे शिद्दत से रहते जैसे अभी सर ही बोल रहे हो, किसी कुछ को बातें नजारा याद ऐसी रह होती जाता है, किसी को फीलिंग याद रहती है, जैसे जब गाना बोला तो आपको फीलिंग से याद रहता है गाना, और जब ये मोटिवेशन की बात आती है तो आपको आपके सर की बोले अल्फाज बोले स्टाइल में आपको याद रह गया है ना वो। है। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। ऑल्सो आई हैड वन क्वेश्चन, मतलब जो साज आज है वही साज तो 10 साल पहले की साज नहीं होगी ना, देयर मस्ट बी सो मेनी चेंजेस विच यू ब्रॉट कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, बदलाव होता गया, या आपने कुछ चीजें तो खुद से बदली भी होंगी, सो समथिंग ऑन दैट नोट विच यू लाइक टू शेयर। सो आई विल टेल यू, माई लाइफ हैज बीन अ कम्प्लीट चेंज आफ्टर अराउंड 2019 के बाद। माई लाइफ गॉट कम्प्लीटली चेंज एंड आई बिलीव कि वो सिर्फ मिरेकल होते हैं। आई ट्रूली बिलीव इन दैट डिवाइन पावर, एंड जब ग्रेस होती है तो बस फिर सब बदल जाता है। सो आई यूज टू बी दिस वेरी स्टबर्न चाइल्ड एंड वेरी अग्रेसिव, वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, एवरीथिंग। इतना गुस्सा करना एंड मेडिटेशन, योगा और ये सब चीजें मुझे लगता था कि बुड्ढों के लिए होती है, दिस नॉट फॉर मी। यू नो आई आई वॉज नेवर कि मतलब ऐसा नहीं था कि मैं भगवान में मानती नहीं हूँ, बट ऐसा था कि मतलब लाइक ठीक है, पर ये हाँ बस ठीक है, हो गया, जय जय हो गई, इतना बस ऐसे बोलना। बट यू नो जस्ट सेइंग इट एंड मीनिंग इट आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी इन खामियों की वजह से आई आई फेस सम सेटबैक्स ऑल्सो। सो आफ्टर दैट जब ये रियलाइज हुआ, सो आई जस्ट आस्क गॉड टू हेल्प मी। आई सेड आई वॉन्ट बी काम, आई वॉन्ट बी कम्पोज। ऐसा नहीं था कि तब मैं अचीव नहीं कर रही थी, आई वॉज विनिंग कॉम्पिटिशन, आई हैड एवरीथिंग, आज तक कभी कोई कमी नहीं हुई। बट देर वॉज दिस लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो एक एट पीस नहीं थी मैं। सो देन आई वॉज इंट्रोड्यूस टू योगा, मेडिटेशन, दिस साइड वॉज स्पिरिचुअलिटी। मैंने म्यूजिक की दूसरी साइड को एक्सप्लोर किया, यू नो दिस स्पिरिचुअल डिवाइन म्यूजिक, विच हेल्प्ड मी कनेक्ट टू द डिवाइन पावर मोर। और उसके बाद से आई फेल्ट दिस कंप्लीट चेंज इन माई लाइफ, एंड माई फ्रेंड्स जो मेरे कॉलेज में थे पहले, उन मतलब दे यूज टू आस्क मी, आई सी शीनू हेयर, शी इज टू माई बेस्ट फ्रेंड इन माई स्कूल। मैं आज भी इसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, बट अभी यू नो जब हम कॉलेज बदल जाते हैं, हो जाता है, तो इतना कम्युनिकेशन नहीं रहता है। बट शी हैज सीन माई वर्स्ट एंड नाउ शी इज सीइंग मी, नॉट एट माई बेस्ट, बट बेस्ट इज येट टू कम आई फील, बट शी इज सीइंग मी इम्प्रूव एंड दैट्स व्हाई शी इज राइटिंग सो गुड टू सी यू हियर। सो दैट इज द मेन थिंग दैट आई कैन टेल यू, दैट शी हैज सीन मी शुरुआत से, तो शी नोज। सो देर हैज बीन अ ड्रास्टिक चेंज। अच्छा लगता है ना अभी भी आपके दोस्त जुड़े हैं, लाइक इन योर बैड टाइम्स इन योर गुड टाइम्स, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और आप जिस एब्सोल्युटली, शिद्दत से बोल रहे थे तो वी कुड फील दैट योर वर्स्ट फेज एंड नाउ योर येट टू कम गुड फेज है, जो भी अभी फेज है माशाल्लाह। और आपने स्पिरिचुअलिटी बोला, आई डिड लिसन टू योर गुरु का भी एक शायद सॉन्ग आपने गाया, इफ यू डोंट माइंड विल यू। या श्योर, आई विल जस्ट सिंग अ फ्यू लाइंस फ्रॉम दैट। गुरु जी तू ही तू, गुरु जी तू ही तू, संग तानो प्यारा तू ही तू, सारे आदा दुलारा तू ही तू, मेहरा बरसादा तू ही तू, हर दिल विच वसदा तू ही तू। गुरु जी तू ही तू, गुरु जी तू ही तू। थैंक यू, दैट वॉज दैट। मुझे थोड़ी सी हैरानी है फॉर योर जनरेशन हैविंग ऑल दिस कनेक्ट, लाइक स्पिरिचुअलिटी का कनेक्ट आपकी उम्र में थोड़ा कम देखने मिलता है ना। आई देखो, मैं ये मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज आवर ट्रू नेचर। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स ही होते हैं, और हम हैं शुरुआत से ही, द मोमेंट वी आर बॉर्न वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। लेकिन यू नो ऑल दीज थिंग्स, जो लेयर्स इस दुनिया में आ जाती है हमारे ऊपर, हम जो कामों में और टेंशन में सब फंस जाते हैं ना, उसके बाद हम भूल जाते हैं अपने ट्रू नेचर। फिर जब भगवान की कृपा होती है ना, तब हमको याद आता है, ओ हम तो ये करने आए थे। तो बस वो कृपा होने की देरी है। और उस बात का भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आई बिलीव नेवर फील दैट यू नो यू आर बीन ब्लेस्ड या आई एम ब्लेस्ड, यू नो या लाइक दैट, कभी भी नहीं होना चाहिए। वो कृपा होती है तो बस हम्बल होके स्वीकार करो उसको।
तो वही अपना हुआ है बस. चेहरे पे रौनक आ जाती है ना खुद ब खुद। या एब्सोल्युटली बिल्कुल. जी करिश्मा की एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सिंग तेरे में, व्हाट इज दिस सॉन्ग। आई डोंट नो. तेरा मैं. अच्छा शी सिंग. आई रिलीज दिस सॉन्ग फ्यू डेज बैक. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का बर्थडे था, सो वी रिलीज इट फॉर हिम. प्लीज प्लीज गो अहेड। ओके. गुरु जी तुमने सच की राह पे चलना मुझको सिखाया, जिंदगी के सफर को खुद सा हमराही दे के आसान बनाया, जहां भी मैं जाती हूँ तुझको संग पाती हूँ, तेरे बिना ना हो गुजारा. सो ये था तेरा मैं, एंड आई रोट इट ओनली, एंड ही मेड मी राइट इट एक्चुअली. हम कौन है कुछ करने वाले. ये लिरिक्स आपके हैं? या ऑल द सॉन्ग्स जो मैंने पहले भी गाए, तो वो हाँ भजन भी. तो या ये जब बैठते हो तो इकट्ठे पूरा लिख जाते हो या फिर हिस्से हिस्से में लिखते हो? आई पता नहीं क्या होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था आई विल बी एबल टू राइट. वेन हाँ एवर अ वर्ड कम्स आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग, एंड वो अपने आप ऐसे लगता है कुछ लिखवाई जा रहा है, लिखवाई जा रहा है, एंड देन रुका नहीं चाहता. आई डोंट नो, इट जस्ट कीप्स ऑन कमिंग फ्रॉम, पता नहीं, ऐसा लगता है कुछ डाउनलोड कर रहे हैं हम ऊपर से. इट्स अ सही वियर्ड बात फीलिंग, है, बट इट इज अ ब्लेसिंग. आई अंडरस्टैंड, बट सही बात है ना, बस वो उतरता है ना। एंड आई बिलीव कि जब जब यू आर ग्रेटफुल ना, जब आप ट्रूली ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स के लिए, तो वो अपने आप निकल के वो उस रूप में आ जाता है. सो या इसीलिए लिखा जाता है. ये अच्छी बात है कि आप इतने मतलब खुले दिल से वो क्रेडिट पूरा खुद ले भी नहीं रहे हो। खुदा को वो पूरा खुदा ने नवाजा है, ये आप कितना अच्छे से जाहिर कर रहे हो। वो बिल्कुल एक्चुअली, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ ना. हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं. द ब्रेथ इवन वी आर टेकिंग, वो भी हमारी खुद की नहीं है, वो भी उनकी दी हुई है, तो हम क्या ही हैं. सही बात। हाउ हाउ डू यू सी योर करियर, साइकोलॉजी एंड सिंगिंग बोथ टुगेदर फॉर द लाइक 5 ईयर्स और यार आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद, कैसे देखते हो आप? सी मैं आई डोंट प्लान एनीथिंग. आई ट्रूली बिलीव लाइफ जहां लेके चलती है, जो भी होना है उसको अपने आप वो अनफोल्ड होने दो. बट अगर इफ आई जस्ट हैव टू पुट इट इन टू वर्ड्स, आई फील दैट म्यूजिक इन इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ थेरेपी, एंड पीपल आर यूजिंग इट एज अ थेरेपेटिक टूल ऑल्सो. सो अभी भी वेन एवर आई डू ऑनलाइन सत्संग्स एंड एवरीथिंग, तो पीपल एक्चुअली टेल मी दैट वी आर बींग हील्ड बाई योर म्यूजिक. सो हम दोनों साइकोलॉजी और म्यूजिक को मिक्स करके आई वॉन्ट टेक इट फॉरवर्ड, एंड आई जस्ट वॉन्ट डू माई हैव माई प्राइवेट प्रैक्टिस. आई डोंट वॉन्ट प्रैक्टिस समवेयर बिकॉज आई वॉन्ट मिक्स बोथ दीज थिंग्स टुगेदर एंड देन सर्व पीपल. वेरी नाइस, वेरी नाइस। एज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर हम कितनी टेक्निक्स है जहाँ पे म्यूजिक को ऐड करते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। फोबियाज है, मतलब डीप डाउन फोबिया है, किसी को लिफ्ट का रहता है, किसी को ऊंचाई का रहता है, तो उस फोबिया टेक्निक में हम सबसे ज्यादा अहमियत म्यूजिक को देते हैं, बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट वेर आई नॉट गो इन द टेक्निकलिटी, बट यस देयर आर सो मेनी टेक्निक्स वेर वी यूज म्यूजिक एज अ थेरेपी और एज अ टूल इन दैट टेक्निक, जिससे कोई बैड मेमोरी है या कोई हादसा है जो दिमाग में बैठा है, जैसे आपने बोला ना किसी की बोली बात अगर चुप गई है, दिल में बैठ गई हो, तो वी यूज म्यूजिक देयर टू रिमूव ऑल दैट बैड मेमोरीज। सो आप तो माशाल्लाह फिर अच्छे ही फील्ड के कॉम्बिनेशन में हो। आई एम श्योर इट विल गो वेल, आई एम श्योर इट विल गो वेल। देयर इज थैंक यू वन सो मोर मच. रिक्वेस्ट, प्लीज सिंग मधु। आई एम सो वेरी ओके. सॉरी द प्रोनाउंसिएशन। He's asking me to sing a shabad, and I cannot sing it without a head cover. Sorry for that. You can go and check it on my Instagram wall. It is there. I have posted that song, that shabad. वो उसी तरीके से गाना होता है। ओके ओके। अच्छा, अदर देन ऑल दिस इंटेंस माय क्वेश्चंस, आई हैव सम डोंट थिंक एंड आंसर राउंड स्टफ आल्सो, जहां पे 8 से 10 सवाल रहेंगे जो आपको बिना सोचे समझे बस जवाब देने। इज इट ओके इफ आई आस्क? ऑल सेट एंड रेडी. ओके, तो यहाँ पे मैं मेरा लैपटॉप खोल दूँ बस। राइट. अब आपने वो बात शेयर करी ना कि हम म्यूजिक को कैसे यूज कर सकते हैं, आई टेल यू वन थिंग.
So my sister प्लीज। earlier she used to stay with me and we used to sleep together in a room. So now since she has gone to her hostel back ना, so मुझे रात को ना अकेले डर लगता है सोने में. So जब I don't have any music on ना, तो मुझे ऐसा लगता है बाहर से कोई आवाज आ जाएगी, कोई आ जाएगा. I feel so scared, मुझे नींद नहीं आती है. जब तक मैं हनुमान चालीसा ना लगा लूँ या कुछ भजन या कुछ ऐसे लगा लूँ ना, मैं लगा के सो जाती हूँ, अपने आप नींद आ जाती है. बिकॉज यू फील दैट यू नॉट अलोन देन. सो म्यूजिक इज सच अ ग्रेट टूल फॉर एवरीथिंग, आई बिलीव. वेरी ट्रू। या वो एक नेचुरल टूल है, वरना देखो ना रिलीजन कोई भी हो, हम कोई ना कोई मंत्र जपते हैं और फिर हमको अच्छा लगता है। वो सबकॉन्शियस लेवल पे जो सिचुएशन चल रही है, जो फियरफुल सिचुएशन है, बट आर सबकॉन्शियस इज सिंगिंग दैट। वो कुछ भी हो लेकिन वो मंत्र हम पढ़ रहे हैं तो हम उसमें खो जाते हैं, एंड आपको फिर अंधेरा भी हो तो नींद लग ही जाती है। नथिंग लाइक म्यूजिक, नथिंग लाइक म्यूजिक। एंड आई एम हैप्पी आई हैव सम गेस्ट हु इज फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड एंड अ म्यूजिक बैकग्राउंड, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, क्योंकि माई स्टेट अगर बदलना, देखो ना कभी कभी मैं पूरी गमगीन बैठी हूँ लेकिन एक अच्छा गाना बज जावे और मुझे वो कनेक्ट हो जाता है और मेरा मूड अच्छा हो जाता है। सडनली आई आई गो ऑन क्लाउड 7 और मैं जो भी मेरा दिन भर का है जिग-जिग वो सब भूल जाती हूँ। इवन ऑन क्लब हाउस देयर आर फ्यू रूम्स जहाँ पे इतने अच्छे गाने होते हैं। नाइट 11:30 सपोज आई हैव टू वाइंड अप ऑन माई वर्क एंड आई एम ऑन माई लैपटॉप, वो क्लब हाउस का रूम ऑन रखो, गाने सुनते रहो, सुकून लगता है। आई डोंट नो हाउ बट लगता तो है, लगता तो है। यही तो बात है. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो आई सो सी डॉक्टर प्रकाश. आई हाय डॉक्टर प्रकाश. या सो ही हैज आल्सो प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय स्पिरिचुअल जर्नी. सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, एंड यू शुड डेफिनेटली हैव हिम ओवर फॉर अ सेशन. आई विल सेंड एम यू. एब्सोल्युटली Absolutely, Dr. Prakhar, thanks for joining us live. When she's recommending so strongly, we'll surely have him. Can you speak more about him? Yeah, so he's working at the Safdarjung Hospital. It's in Delhi, and he's a sports injury specialist. And apart from that, he's a very, very, very nice singer, and he does spiritual satsangs and events and everything. And basically, he's a true artist. And he is the one who introduced me to meditation and the family of art of living. And yeah, he's a beautiful soul. That's it. Sure, doctor. We will be having you. For sure, we'll be having you. So now, Saj, if you're ready for my all, don't think and answer questions. All right, let's go. Okay. So, what should they teach in school but they don't? More openly about sex life, I feel. Oh, thank you for this They should topic. teach more about it. Yeah. I lost you. Sorry, I guess I lost your network. Yeah, now you're Yeah, back. you're there. Hello? Yeah. You're back now. All right, can we go again? Yeah. So I asked, what should they teach in school, but they don't. Yeah, so we go all sit in our biology classes and we're like, oh, क्या पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे. बट आई फील उसको थोड़ा ईज आउट करके और बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, पूरी नॉलेज देके, रादर देन जस्ट कवरिंग इट एंड ओके हो गया चलो नेक्स्ट चैप्टर. या सो I'm a दैट्स व्हाट. doctor and an NLP practitioner, so who more can tell me? Because when I talk so openly about it, a tag comes ki I'm very bold. I'm 43, but when I talk about orgasms, when I talk about ejaculations, when we use these words very normal tone mein, तो भी ऐसे बोला जाता है धीरे बात करो, इतना जोर से नहीं बोलना है। सो आई गेस द डेज विल कम जब ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट ये स्कूल में थोड़ा और शिद्दत में सिखाना चाहिए। और नहीं भी तो मेरे पेज पे यू विल नॉट मिल यू करंट मंथ का थीम। माई इंटर्न गेव मी द थीम कि मैम इस महीने में सिर्फ सेक्स पे रील जाएंगी और सेक्स पे कॉन्टेंट जाएगा। फॉर्चुनेटली दैट्स द थीम ऑफ आर मंथ। ओके, नेक्स्ट, वेरी विच नाइस. मूवी और बुक डू यू थिंक इज रिडिकुलसली ओवररेटेड? एनी मूवी और बुक? माय गॉड. बुक्स पढ़ने का मुझे ज्यादा शौक है नहीं है, और ओके, मूवी जो ज्यादा ओवररेटेड हो, हाँ आई बहुत कम मूवीज देखे हैं यार मैंने. बट हाँ, अगर मुझे एक मूवी ओवररेटेड लगे वो है तमाशा, रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण की. आई डिडंट लाइक इट दैट मच, बट दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, हार्डली मैटर्स टू द पीपल हु मुझे लाइक भी इट. समझने में थोड़ी दिक्कत थी। वेरी ट्रू। समझ या मुझे भी जब पहली बार देखी तो समझ नहीं आ रही थी, और रिलैक्स होने गए थे तो रिलैक्स होके नहीं आए थे घर।
कुछ था उसमें का, तो दैट्स दैट। ओके हु वुड यू मोस्ट लाइक टू सिट नेक्स्ट टू यू ऑन अ 10 आवर फ्लाइट एंड व्हाई? 10 घंटे की अगर फ्लाइट है तो आपको आई एम किसके सो बाजू सॉरी, में? आई गेस देर वॉज अ नेटवर्क इशू, सो योर वॉइस इज लैगिंग, ओके योर सॉरी, वॉइस वॉज लैगिंग। वापस से बोलो. या हु वुड यू मोस्ट लाइक टू सिट नेक्स्ट टू ऑन अ 10 आवर फ्लाइट एंड व्हाई? ओके, आई डिस्कस्ड अबाउट डॉक्टर प्रखर, आई लाइक टू सिट विद हिम बिकॉज वेन एवर आई चैट विद हिम एंड वी आर टॉकिंग, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल म्यूजिक एक्सपीरियंसेस, सो या आई लाइक टू गो ऑन अ फ्लाइट विद हिम। ओके व्हाट इज समथिंग यू हैव डन दैट यू विश यू कुड अंडू? इश्यूज गाइस, एम आई ऑडिबल? फैजा, करिश्मा, खुशबू, एनीबडी देयर? हैव आई लॉस्ट माय कनेक्शन? हाय करिश्मा, एम आई ऑडिबल? ओके सो आई एम ऑडिबल. साज, वी स्टिल वेटिंग फॉर यू. सो दैट आई कम टू नो एदर आई चेंज माई बैंडविड्थ. ओके करिश्मा, आई एम शुड आई लीव? ठीक है गाइस, आई एम श्योर शी'ल ज्वाइन अस बैक. आई एम श्योर शी'ल ज्वाइन अस बैक. स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कुछ अच्छे सवाल आगे आने हैं और गानों की फरमाइश भी शुरू रखना, सो दैट व्हेन शी इज बैक वी कैन हैव सम अमेजिंग म्यूजिक फ्रॉम हर साइड. या शी इज देयर. डॉक्टर प्रखर, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, शी इज ह्यूज फैन ऑफ यू. या सास, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी भेजी है. कैन यू सेंड वंस फ्रॉम योर साइड सास? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में हर फ्राइडे का ये होता ही होता है, क्योंकि यहां से मैंने सास आपको रिक्वेस्ट भेज दी है. ऑल सास पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू हियर. इनवाइटेड तो मैंने भेज दिया है, एक बार देखो आप. रिक्वेस्ट सॉरी, किसी और की तो रिक्वेस्ट अभी लेनी ही नहीं है साथ. एक बार शायद आप आगे वी आर बैक। अच्छी अच्छी चीज के लिए सब्र करना पड़ता है ना, आपके कुछ या खास गाने सुनने के लिए ऑडियंस को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा. ऑलराइट, लेट्स गेट बैक क्विकली। यस. सो नाउ देयर, व्हाट इज समथिंग यू हैव डन दैट यू विश यू कुड अनडू? ओके, सो छोटे होते मैंने अपनी बहन को बेड से गिरा दिया था और उसके यहाँ पे स्टिचेस हैं और उसका परमानेंट मार्क है। आई विश आई कुड अनडू दैट। सो ऑनेस्ट यू आर, सो ऑनेस्ट यू आर टेलिंग. नो बट ओके ओके आई टेल वन मोर थिंग, शी वॉज इरिटेटिंग मी एंड मेरी इंटेंशन नहीं थी गिराने की, मैंने उसकी टांग खींच दी और वो गिर गई। सो या गलती आपकी नहीं थी, बट फिर भी आपको अंडू करना है. व्हाट या मोस्ट पीपल थिंक अबाउट यू दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू? ओके, पीपल थिंक दैट आई एम, मतलब पहले सोचते थे, अब तो लोगों से मिलना होता ही नहीं है ना इन पर्सन बिकॉज ऑफ कोविड। पहले सोचते थे कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है या मैं बात नहीं करती हूँ, बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं होती हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। आई एम अ वेरी जॉली पर्सन एंड आई मिक्सअप वेरी इजीली विद एवरीवन। हाँ माशाल्लाह, हम पहली बार बात कर रहे हैं लेकिन आप फुल ऑफ एनर्जी बात कर रहे हो यार, पूरा दिल से बात कर रहे हो. और कितना शिद्दत से बात करेगा इंसान? या बट जिसको जो सोचना है वो सोचेंगे ना, सो सही या बात है. व्हाट इंप्रेशन डू यू ट्राई टू गिव व्हेन यू फर्स्ट मीट समवन? व्हाट सॉरी व्हाट, व्हाट इंप्रेशन डू यू ट्राई टू गिव व्हेन यू फर्स्ट मीट समवन?
आई जस्ट डोंट ट्राई टू गिव एनी इम्प्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग. आई जस्ट बी माई सेल्फ, स्माइल एंड जा जैसा होता है. जिसको पसंद आता है ठीक है, जो नहीं आता नमस्ते. हम महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मराठी में बोलते हैं गेला उड़त, मैंने गया गया गेला उड़ गया, हाँ गेला उड़ गया। उड़ा. महाराष्ट्र डू यू विजिट बॉम्बे? या नो, आई हैव बीन देयर. सी, व्हेन आई वाज देयर फॉर माय रियलिटी शो, आई स्टेड देयर फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, बट उसके अलावा आई हैव नेवर बीन देयर. या ओके, व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी? ओके, बेस्ट सब कुछ ही बेस्ट है. गॉड्स चाइल्ड. या आई आई ट्रूली बिलीव कि जो अब है उनका है. अगर आप मुझसे 4-5 साल पुरानी वाली सास को मिलते हैं, तो मैं कहती कि हाँ ठीक है, कुछ बुरा भी बता देती हूँ, अच्छा पता नहीं क्या है. बट नाउ आई एम गॉड्स चाइल्ड एंड आई एम लव्ड एंड आई एम ब्लेस्ड. तो सब अच्छा है, सब बढ़िया है. जो अच्छी दिया है, बात जो बुराई दी है, वो भी उनकी है. सो है। सब. व्हाट इज बेस्ट टू लर्न फ्रॉम यू? यू मने क्या अच्छा लग रहा है, पता है यू लव योरसेल्फ। या इट्स इम्पोर्टेंट, इफ यू हैव टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, तो पहले खुद से प्यार करें, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे. एब्सोल्युटली। ओके, नाउ आई हैव इंग्लिश ट्रांसलेशन, आप उसको सुनो, आपको समझ जाएगा ये गाना कौन सा है, फिर गा लेना आप। ओके. I see God in you. What do I do, my friend? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. या Absolutely. Took my heart by making 10 excuses. 10 बहाने करके ले गए दिल. या Okay. ये तो ट्रांसलेशन की गड़बड़ है अकॉर्डिंग टू माय डॉटर, लेकिन मुझे जैसा मिला मैंने लिया है। अब देखो नहीं, आप, बढ़िया है. मैं पढ़ती हूँ। द सन स्टार्टेड टू पेल, द मून स्टार्टेड टू बर्न, व्हाई डिड द स्काई मेल्ट? सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा. Awesome. मेरी बेटी ना ग्रामर नाजी बोलते हैं उसको, वो शी इज लाइक लिटरेचर लैंग्वेज फैन, उसने सारा इंग्लिश पढ़ा मेरा, बोली मम्मा इसमें ये मिस्टेक है, मम्मा इसमें ये मिस्टेक है। मैंने बोला कुछ नहीं, वो सास बराबर समझ लेगी और इतना इतना इंग्लिश नहीं देखेगी। तो आपको एक ऐसे ऐसे आ गया हो तो ये ट्रू म्यूजिक लवर, सास, नो सवाल जवाब, प्लीज नाउ सम मस्त परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड, जो आपको पसंद या जो ऑडियंस को पसंद। या ओके. अगर आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं तो बताइए, और एल्स विल सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड देन विल कॉल इट अ डे देन मेबी. ऑल राइट, तब तक मैं कुछ गाती हूँ जब तक आप बता रहे हो. मेरी मेरी भी एक फरमाइश पेंडिंग रखूंगी, बट आई बताओ ना, अलाउ आप यू टू सजेस्ट। बताओ. आई सी व्हाट यू वांट टू हियर, टेल मी. ओह, आई लव दैट शाहरुख खान एंड वीर ज़ारा वाला गाना। बताओ ना कौन सा. आई हैव नॉट सीन वीर ज़ारा. यू नो पीपल आर गोना किल मी फॉर दैट. आई हैव नॉट सीन इट. Absolutely, my guest is not serious. That is not fair. आई I विल गो एंड love सी it. इट, आज रात को ही देखूंगी मैं. स्टार रोमांस हो तो वीर ज़ारा वाला हो। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं यहां हूं यहां. या थैंक्स अ लॉट। मेरा सो मच. मतलब हर बार जब भी मूड ऑफ होता है वाला ये गाना है, ये गाना सुन लो तो मूड अच्छा हो जाता है। नाइस. आस्किंग यू टू सिंग योर ओन चॉइस वाशा। ओके, आई विल सिंग समथिंग. है काश काश यू होता, हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल यूं रोता, हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा
अब हर दम हर लगता हर दिल तुझको सुनाता दिल ये बोल पाता बाखुदा तुझको है चाहता जा तेरे संग जो पल बिताता वक्त से मैं वो मोगलाता याद करके मुस्कुराता थैंक यू। नवाजा है आपको। वेरी नाइस आपको वेरी नाइस, भी तो इतनी खूबसूरती से अलविदा। नवाजा है, आपको भी तो नवाजा है इतनी खूबसूरती से। राहुल थैंक यू दैट्स सम मोर रिक्वेस्ट। इज सेइंग पानी तो पी लो मैम। अरे जब सिंगिंग की बात आती है प्यास बुझ जाती है अपने आप। सही बात है। खुशबू आप वापस आ हाँ चुके हो। खुशबू आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट ही नहीं डाली, सो शी वाज वेटिंग फॉर योर सॉन्ग रिक्वेस्ट। There was one more I missed on. I'm just तो मैं checking. मासी Just की give कह रही हूँ, माय मासी सिंग प्रिटी गर्ल विद ब्यूटीफुल हार्ट। थैंक्स मासी। me. सी फिर से उड़ चला। आई टोल्ड यू माय फैमिली इज सो सपोर्टिव, माय मॉम, माय सिस्टर, माय मासी, माय मौसा जी, एवरीबॉडी इज माशाल्लाह। वाचिंग मी, एवरीबॉडी। आपके मम्मी को तो नजर उतार ले, टीका विका लगा दे, आई डू बिलीव इन ऑल दैट। सो प्लीज प्लीज आंटी प्लीज कर लेना। Because you're looking so pretty and you are so confident. आप गाते हो तो ऐसा लगता है रूहानी, जैसे कोई गाता है ना वैसे वाला फील आता है। और यकीन मानो बिल्कुल नहीं लगा था। मैं खुद सोच रही थी कि हम पहले मिले नहीं है, ज्यादा बात नहीं हुई है, वी हैड जस्ट अ स्मॉल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, बट आप एकदम दिल से बात करते हो यार। मतलब बहुत शिद्दत से बात करते हो, वही इनोसेंस आपकी आवाज में है। एंड यू आर ब्लेस्ड, सीरियसली यू आर ब्लेस्ड। और आपकी फैमिली ने थैंक आपका अपब्रिंगिंग इतना अच्छा किया है। द एनवायरमेंट मैटर्स। आई विश ऑल फैमिलीज आर लाइक योर फैमिली, कि उन्होंने आपके पैशन को कम ज्यादा में कुछ तोला नहीं है एंड सपोर्ट किया है अच्छे से। यू। ये सबसे बढ़िया बात है, एंड आप सब भी इतना सारा प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड ओके पदम इज सेइंग ईगली वेटिंग फॉर शुक्रम नाउ। या सो आई रिलीज अ पोस्टर टुडे, अगर आप सबने देखा होगा। सो माय न्यू भजन इज कमिंग लाइक इन अ फ्यू डेज, सो आप सब उसको जरूर सुनना। एंड वी आर कमिंग विद लोज एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। और या सो लेट्स जस्ट कॉल इट अ डे डॉक साहब, इफ वी आर डन। Absolutely, Taz. हाँ Absolutely, Taz. That was beautiful to बिल्कुल, have you on the show. And थैंक यू सो take मच। care, थैंक be blessed. यू, थैंक यू सो मच। सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, एंड वेन एवर आई एम इन मुंबई वी आर मीटिंग, Absolutely, एंड we will. वेन एवर यू आर इन Absolutely. पंजाब जस्ट रिंग मी। Yeah, for sure. Take care. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, Good night, Taz. बाय बाय।